पानीपत में एक महिला के बेडरूम में आराम फरमा रहे पुलिस के एएसआई और कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए और दोनों को निलंबित कर दिया गया। इस मामले की जांच एसपी सुमित कुमार ने पानीपत उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश कुमार वत्स को सौंपी है। महिला के बेडरूम में आराम फरमा रहे दोनों पुलिस कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला पानीपत के थाना किला क्षेत्र का है। पानीपत के थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में जाकर महिला के बेडरूम में सो रहे सहायक पुलिस निरीक्षक जगदीश व कांस्टेबल विनोद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ गया। आला अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए एएसआई जगदीश और कांस्टेबल विनोद को पद से निलंबित कर दिया। दोनों का वीडियो हेडक्वार्टर पानीपत पुलिस लाइन में बनाया गया है। वहीं एसपी सुमित ने इस मामले की विभागीय जांच के आदेश देते हुए उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश कुमार वत्स को जांच अधिकारी नियुक्त की है। उन्होंने मामले को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश जारी किए हैं। इधर एसपी सुमित कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों को पहले ही सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा व अन्य किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पद से निलंबित एएसआई जगदीश और सिपाही विनोद कुमार थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत राइडर पर तैनात थे। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने बताया कि ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एएसआई जगदीश और कांस्टेबल विनोद को एसपी सुमित कुमार ने पद से निलंबित कर दिया है। दोनों की कार्यप्रणाली की विभागीय जांच भी की जाएगी। जल्द ही जांच रिपोर्ट एसपी सुमित कुमार को सौंप दी जाएगी। तो तारीख बताने आया तो आप लोग आके घर में ऐसे लेट हो गए। वीडियो बना ऐसे लेट हो गए आप लोग घर में आके। क्या मतलब आपका जाने का जी? भाई साहब इसकी तारीख बताना है इसकी तारीख बताना है तो लेट हो गए। आप इसके थाने में बुलाओ। आपका इसके घर आगे सुनने का मतलब है? जगदीश सिंह उनका भी नाम ले। भाई साहब नाम दिखाऊंगा। विनोद कुमार सदर विनोद कुमार क्या कैसे आ गया?